कोटा के स्टेशन जैन मंदिर के सामने मकान में घुसकर लूटपाट कर मां और बेटे की निर्मम हत्या करने वाले हैवान हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि ज्वेलर्स राजेंद्र जैन का पूर्व नौकर ही था, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसकर मां बेटे की हत्या करने के बाद घर से करीब 1 करोड़ का माल लूट कर फरार हो गए नौकर मस्तराम मीणा और उसके साथी लोकेश मीणा ने 15.5 किलो चांदी और सोने के जेवरात में 37 लाख रुपए नकद लूट लिए थे। आज पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज विपिन कुमार पांडे, एसपी दीपक भार्गव ने पूरी वारदात का खुलासा किया। मास्टरमाइंड मस्तराम मीणा बूंदी जिले का रहने वाला है, जिसने अपने ही गांव के लोकेश मीणा के साथ मिलकर ज्वेलर के घर पर लूट की वारदात करने की योजना बनाई थी। दोनों आरोपी लोहे के सरिये लेकर मकान में घुस गए और घुसते ही मकान के प्रथम तल पर रहने वाले ज्वेलर की पत्नी विनीता और बेटी पलक पर लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद दोनों आरोपी घर की तिजोरी से करीब 37 लाख रुपए लूट कर तथा जेवरात लूट कर वहां से फरार हो गए। तकनीकी टीम और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। दोनों की निशानदेही से पुलिस ने लूटी गई रकम में से 21,70,000 रुपए, 2 किलो 26 ग्राम सोना और करीब 13.5 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। प्राथमिक पूछताछ में यही सामने आया है कि आरोपी नौकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था और जल्द अमीर बनने के सपने देख रहा था। साइड में गाड़ी खड़ी करी, घर के अंदर गए, घर खुला हुआ था, तो जो महिला थी उनकी पत्नी राजेंद्र विजय जी की, उससे उसने पूछा कि अंकल कहाँ है। उसने कहा दुकान पर है। तो रॉड जो पीछे छिपा के ले गए थे, उस रॉड से उसने तब ताबड़तोड़ हमले लेडीज पर कर दिए। ये आवाज़ सुन के उनकी जो लड़की थी वो बाहर निकली, उसके बाद उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके बाद दोनों ही डेड बॉडी को ड्राइंग रूम में लेके रख दिया और फिर ये तिजोरी की तलाशी लेने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, उस तिजोरी में से इतना माल ये ले सकते थे, वहीं थैलियां पड़ी थी, 2 थैलियों में भर के पैसे लेके निकल गए। सोना चांदी की जेवरात तो लगभग बरामद हो गई हैं, जितने माल गई थी वो सारे बरामद हो गए। करीब 2 किलो के आसपास सोने के जेवरात हैं और 13.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हैं और 21,70,000 अभी हमने दोनों से बरामद कर लिए हैं। 1 से 11 लाख बरामद हुए हैं और 1 से करीब 10 लाख बरामद हुए हैं।